नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे रूट वर्ड्स पे आगे का सेशन को देखेंगे और हम लोग इंग्लिश में वोकेबलरी जो सीख रहे थे रूट वर्ड्स में, जिसमें कैप या सेप्ट या CEI या CEP सिर्फ या CIP, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं जिसका मतलब टू गेट या टेक होता है, इस पे वर्ड्स लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे। और इस पे कुछ वर्ड्स हैं उसको हम लोग अभी पहले देखेंगे, फिर उसके बाद कार्न रूट वर्ड पे वर्ड्स को समझेंगे जिसका मतलब प्लेस, मीट या आप बोल सकते हैं बॉडी, तो ये इसका मीनिंग होता है। कार्न के जगह कई बार आपको कार्नी भी मिल जाएगा। तो ये आज हम लोगों का डे 29 है। इससे पहले हम लोग डे 28 तक रूट वर्ड्स पे वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं और उन वीडियो का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, जो वर्ड्स लिया गया है वर्ड पावर बुक से, जो कि मनीषा बंसल मैम का बुक है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो वर्ड्स देखेंगे, कारण जिसका मतलब प्लेस होता है या बॉडी होता है, मेन आज हम लोगों का ये है। और ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास से ही देखते आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा सभी वीडियो का। चलिए आज का वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वर्ड है इंटरसेप्ट। इंटर मतलब होता है बिटवीन, रूट वर्ड्स इंटर जो है इसका, यहाँ पे इसका मतलब हो गया बिटवीन, और सेप्ट मतलब हो गया टेक। तो वर्ड बना इंटरसेप्ट, इंटर प्लस सेप्ट इंटरसेप्ट, और इसका मतलब हो गया टू इंटरप्ट समबडी और समथिंग, दैट मीन्स बाधा डालना। अब इसको कैसे समझे, हो सकता है आपको इसमें लिंक समझ में आ गया हो, नहीं भी आया चलिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी टाइप में इसको रिलेट कर देता हूँ। लेट से कोई दो इवेंट चल रहा था और इन दोनों इवेंट एक दूसरे से लेट से की रिलेटेड है, और कोई तीसरा इवेंट इसके बीच में आ गया जो कि इन दोनों इवेंट को इंटरप्ट कर दिया, इन दोनों इवेंट को में बाधा उत्पन्न कर दिया। तो इसके लिए यहाँ पे आप इससे रिलेट कर सकते हैं बिटवीन और टेक, दो इवेंट के बीच में कोई तीसरा इवेंट उन दोनों के बीच में अपना स्थान लेने का कोशिश किया, तो उस वर्ड से यहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे इस छोटे से स्टोरी से। तो इंटर मतलब बिटवीन, और उस दोनों के बीच में कोई स्थान लेगा तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट कर देगा, चाहे वह इवेंट हो या कोई व्यक्ति हो किसी के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड अब देखते हैं, परसिपिएंट। यहाँ पे पर मतलब हो गया थोरो और सिप मतलब हो गया टू गेट। इसका मतलब हो गया गुड एट नोटिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, दैट मीन्स समझदार। अब इसको चलिए कैसे समझे, इसको थोड़ा सा फिर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर मतलब थोरो, जैसे यहाँ पे दे रखा है, थोरो मतलब कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, और टू गेट यानी किसी चीज को पूरी तरीके से ले लेना। लेट से कोई कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से आपने कंप्लीटली थोरोली उसको समझ लिया है, उसको गेट कर लिया है, उसको आपने अच्छे से समझ लिया, तो उसके लिए वर्ड आ गया परसिपिएंट, यानी किसी चीज को समझने में या नोटिस करने में अच्छा होना, तो उसको क्या बोलेंगे, परसिपिएंट। ये क्या है, एडजेक्टिव, और इसका हिंदी क्या हो गया, समझदार। और ये नाउन भी आप बोल सकते हैं, जो व्यक्ति ऐसा है जो किसी चीज को जल्दी समझ लेता है और किसी चीज को अच्छे से नोटिस करता है, और वह तो इसको हम लोग आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं परसिपिएंट। तो ये नाउन स्लैश एडजेक्टिव आप दोनों बोल सकते हैं इस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, और इसका सेनोनिम से देख लीजिए, परसेप्टिव। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हम सभी को मालूम है कि IVE, यहाँ पे परसेप्ट ये वर्ड था, इसमें IVE सफिक्स लग गया तो ये अगेन एडजेक्टिव रहा, और परसेप्ट यहाँ से पर मतलब थोरो, सेप्ट मतलब टू गेट, किसी चीज को समझने में या लेने में तो अच्छा होना, तो वो क्या कहलाता है, परसेप्ट।
और ये लग गया तो एडजेक्टिव बन गया, तो वर्ड्स का मीनिंग तो सेम रहा। तो यहाँ से अगर आपको ये वर्ड्स दे दे और अगर आपको सैनोनिम्स पूछा जाए तो यहाँ से इजिली आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों में रूट वर्ड्स यहाँ से आप इजिली देख पाएंगे, दोनों में रूट वर्ड सेम है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेप्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी ई आर है और यहाँ पे प्री है, तो प्री मतलब होता है बिफोर, तो यहाँ पे प्री मतलब बिफोर हो गया, सेप्ट मतलब टू टेक, यानी किसी चीज से पहले जो कोई रूल वगैरह बना दिया गया है, कोई डिसीजन लेने से पहले किसी रूल पे वो आधारित है कोई डिसीजन, तो दैट मीन्स वो रूल पहले बना दिया गया होगा तो उसको बोलते हैं परसेप्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव और व्हाट टू थिंक, ऐसा नियम कि कैसे बिहेव करना है और क्या थिंक करना है, तो उसको क्या बोलते हैं परसेप्ट, दैट मीन्स नियम, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ये हो गया, आज हम लोग यहाँ तक वर्ड्स देख लिए, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकैप्चर, री मतलब बैक या अगेन भी होता है, और यहाँ पे सी ए पी टी अगेन, इसका मतलब क्या है टू टेक, जैसे कि कैप्चर आप जानते होंगे, यहाँ पे भी क्या है सी ए पी टी, इसका मतलब टेक, यानी किसी चीज को अपने पोजीशन में लेना, जैसे मोबाइल से आप फोटो कैप्चर करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि किसी फोटो को अपने मोबाइल में ले लेना, तो इसको बोल सकते हैं टू टेक इनटू वंस पोजीशन, यानी अपने अधिकार में ले लेना अपने, और इसका मतलब हो गया रिकैप्चर, टेकन समथिंग बैक, किसी चीज को वापस लेना उसको क्या बोलेंगे रिकैप्चर, यानी पुनः प्राप्त करना। हो सकता है जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल से यहाँ समझ ले किंग को लेकर, उसका कोई एक रीजन है, ये रीजन को किसी बैटल में यह हार गया और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद यह अगेन बैटल किया, अपने हिस्ट्री में ऐसे कई कहानी देखे होंगे, अगेन यह किसी बैटल में वह जीत गया तो उसको उसका अपना पुराना क्षेत्र क्या हो गया मिल गया, यानी उस क्षेत्र पर वह पुनः अधिकार कर लिया, उसको रिकैप्चर कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है रिसीव, अब यहाँ से अगर आपको रूट वर्ड्स ध्यान है तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताया सी ई आई, इसका मतलब टू टेक होता है या गेट, तो अब यहाँ से देखिए रिसीव का स्पेलिंग कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आर ई सी आई ई वी ई, ये जो जनरली एरर आता है इस तरीके का आता है, यहाँ पे आई का पोजीशन पहले कर दिया गया जबकि रूट वर्ड में आई ई के बाद है, यानी ये जो करेक्ट स्पेलिंग बनेगा इसका सी ई आई, ये रूट वर्ड्स अगर आपको मालूम है तो अब देखिए यहाँ पे आप इस वर्ड्स को कभी गलत नहीं करेंगे, तो ये करेक्ट आंसर होगा अगर स्पेलिंग एरर में आपसे पूछा जाए, क्यों, क्योंकि ये सी ई आई ये रूट वर्ड्स यहाँ से रिसीव में है। तो चलिए अब इस वर्ड्स को समझ लेते हैं, री मतलब बैक और सीव मतलब टू गेट, तो टू गेट और एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को पाना या एक्सेप्ट करना, दैट मीन्स प्राप्त करना, क्या कहलाता है रिसीव। नेक्स्ट वर्ड है रिसिपियंट, तो यहाँ पे अगेन री बैक के लिए आ जाएगा या अगेन के लिए, लेकिन यहाँ पे ये री आर ई इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर मतलब इस वर्ड्स को और इंटेंसिफाई कर रहा है, और सेप्ट मतलब टू गेट, तो ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज प्राप्त करता है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। इसको जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों वर्ड्स का जो ये लास्ट में सफिक्स है दोनों में सेम है, तो यहाँ से आप इसको नाउन जैसे बोल रहे हैं तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, रिसिपिएंट मतलब प्राप्त करता, जो कोई चीज रिसीव कर रहा हो उसको रिसिपिएंट बोलेंगे, यानी जो कोई चीज ले रहा हो ग्रहण कर रहा हो, तो उस व्यक्ति के लिए अगर बोले तो वह आगे वहां पे नाउन हो जाएगा, तो ये हो गया रिसिपिएंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ससेप्टिबल, यहाँ पे एस यू एस सस मतलब फ्रॉम बिलो, सेप्ट मतलब टू टेक, और इसका मतलब होता है इजली इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय समथिंग, यानी जो किसी चीज से इजली
हार्म हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ससेप्टिबल, और इसका हिंदी हो जाएगा अति संवेदनशील। दैट मीन्स अब इसको आप इसका सैनानिम्स में एक वर्ड और देख सकते हैं, वनरेबल, आपने सुना होगा। वनरेबल टू समथिंग दैट मीन्स वह किसी चीज से इजिली डैमेज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ससेप्टिबल। इसका एक और सैनानिम्स हो गया इम्प्रेशनेबल। अब चलिए आज का जो मेन वर्ड्स है, 29 रूट वर्ड्स पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ये हम लोगों का डे 29 का वीडियो भी है। और यहाँ पे वर्ड्स है रूट वर्ड्स कार्न या कार्नी, जिसका मतलब फ्लेश, मीट या बॉडी, आप एक ध्यान में रखिए क्योंकि तो कई वर्ड्स बॉडी से भी रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ड है कार्नेज, कार्न मतलब फ्लेश, और ये नाउन वर्ड है। द वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारना, वायलेंटली हत्या करना, उसको क्या बोलते हैं, कार्नेज। और इसका हिंदी हो गया हत्याकांड। सैनोनिम्स में हो जाएगा स्लॉटर या मासेकर। तो आई होप यहाँ से जब आप ध्यान रखेंगे कि कार्न मतलब बॉडी, तो अब देखिए इस वर्ड्स को आप कैसे ही रिलेट कर पाएंगे कि एक साथ बहुत से बॉडी को, यानी पीपल के बॉडी को क्या कर दिया गया, मार दिया गया वायलेंटली। तो वहां से ये वर्ड्स आपको ध्यान में भी रहेंगे और फ्लेश से भी रहेंगे, जैसे स्लॉटर है, तो इस वर्ड्स को देखने के बाद ये वर्ड्स भी अगेन आपके माइंड में रहेंगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा पीस, क्योंकि वायलेंटली किलिंग एक तरीके से अप्रोर का सिचुएशन, मतलब अप्रोर तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, बट उथल पुथल का सिचुएशन दिखा रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पीस, शांत। नेक्स्ट वर्ड है कार्नल। अब आपने, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे समझेंगे। कार्न मतलब होता है फ्लेश, AL यह एडजेक्टिव सफिक्स है। तो कार्नल क्या मतलब हो गया, फ्लेश से रिलेटेड, कनेक्टेड विद द बॉडी, यानी शारीरिक, जो बॉडी से रिलेटेड हो, फ्लेश से रिलेटेड हो, उसको क्या बोलेंगे, कार्नल। नेक्स्ट वर्ड चलिए समझते हैं, कार्न से नेक्स्ट वर्ड है कार्नेशन, और ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कार्नेशन का मतलब होता है अ वाइट, पिंक, रेड और येलो फ्लावर, यह एक तरीके का फूल है जिसको नाम दिया गया है कार्नेशन। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये जो फूल है, स्पेशली ये पावरफुल सिंबल है डेथ का। जब कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है तो वहां पे अक्सर क्या होता है, ये फूल को उस पे चढ़ाया जाता है। तो ये एक तरीके से फूल जो है, फ्लावर जो है, ये डीप सोरो का प्रतीक है। यानी अगर मान लीजिए किसी का बॉडी डेट कर गया, तो वहां से बॉडी से रिलेटेड ये उस बॉडी पे, चूंकि ये फूल को चढ़ाया जाता है, तो वहां से यहाँ पे रूट वर्ड्स कार्न आ गया है। और होता क्या है कि इसमें पावरफुल सिंबल ऑफ डेथ है, सैडनेस है, और रिस्पेक्ट के लिए इस फूल का यूज किया जाता है। तो दैट मीन्स इसको कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेटेड है, तो इसका नाम कार्नेशन पड़ा हुआ है। तो आई होप ये सम वर्ड्स आपको समझ में आया क्या होगा, क्योंकि इसका यूज कुछ इस तरीके से लोगों ने किया है कि जो बॉडी से रिलेटेड है, तो इसका नाम जो है कार्नेशन पड़ गया, पर क्या गया, धीरे धीरे बोलने लग गए लोग। दूसरा वर्ड है चार्नल हाउस। चार्नल में यहाँ पे एच को आप साइलेंट कर दीजिए, तो कार्न मतलब फ्लेश और हाउस तो हाउस समझते ही है। तो अ हाउस वेयर डेड ह्यूमन बॉडीज आर केप्ड, ऐसा घर जहाँ की ह्यूमन का डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चार्नल हाउस, यानी हिंदी में बोले तो मुर्दा घर। और इसका सैनोनिम्स क्या हो गया, मोर्ग्यू। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवल। अगेन यहाँ पे कार्न मतलब फ्लेश या बॉडी या पीपल से रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड्स को, बॉडी या पीपल से रिलेट कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। अ पब्लिक फेस्टिवल दैट इन्वॉल्व्स म्यूजिक एंड डांसिंग इन द स्ट्रीट। और आपने कार्निवल फेस्टिवल के बारे में भी बहुत, हो सकता है आप लोग सुनने भी होंगे, तो यहाँ से जो लोग सुने हैं तो वो तो जानते ही होंगे कार्निवल क्या है। अदरवाइज आप
एक ऐसा फेस्टिवल को आप इसमें रिलेट याद रखिए, कार्निवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि पब्लिक गैदरिंग होता है, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, तो उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? कार्निवल। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोरस। कार्न मतलब फ्लेश या बॉडी, यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। वोर मतलब होता है टू ईट, यानी जो फ्लेश को, मीट को ईट करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, दैट मीन्स फीडिंग ऑन फ्लेश या मांसहारी। नेक्स्ट वर्ड है कैरियन। अगेन यहाँ पे कैरियन में, यहाँ पे CAR जो है, यहाँ से आप एन यहाँ पे साइलेंट है, तो ये वर्ड है फ्लेश, तो ये सरा हुआ मीट के लिए यूज किया जाता है। द डिकेइंग फ्लेश ऑफ डेड एनिमल, जो डेड एनिमल है उसका जो सरा हुआ फ्लेश है उसको क्या बोलते हैं? कैरियन। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से इस वर्ड्स को आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइट के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, इससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड, हम लोग यहाँ पे कारण से और भी है उसको देखेंगे, Day 30 में। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक और फिर प्लेलिस्ट का लिंक, जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।